हेलो दोस्तों, अगेन मेरा नाम रामानंद कुमार। मैं आपके लिए आज डिवीजन जुम्मे स्पर्म्स लाया हूं, और इस चैनल को देख कर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जुम्मे स्पर्म सब डिवीजन है क्या? फेनोरोगेम्स और डिवीजन है जुम्मे स्पर्म। फेनोरोगेम्स आर फुल डेवलप प्लांट्स, मीन्स रूट, शूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। बताए थे फेनोरोगेम्स होता क्या है, जिसमें इसे पाया जाता है आपका। फेनोरोगेम्स आर टू टाइप्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो आज हमको पढ़ना है क्या? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मीन्स देख लीजिए क्या है, मीन्स नेकेड सीड, और एंजियोस्पर्म मतलब कोटेड सीड। तो चलिए आज शुरू करते किसका, जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड के बारे में। तो डिवीजन क्या है जिम्नोस्पर्म, मेन फीचर आपको हमको देखना है इसमें आज का। द ओव्यूल आर नॉट क्लोज बाई एनी ओवरी वाल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ओव्यूल जो होता है ना, ये मान लीजिए ओव्यूल है, ये किसी से घिरा हुआ नहीं रह सकता है, किसके आफ्टर फर्टिलाइजेशन या बिफोर, ये खुले रूप में पाया जाएगा। कैसा? खुले रूप में पाया जाएगा। द सीड डैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, डैट इज आर नेकेड, नॉट विद इन फ्रूट्स। नेकेड का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, नेकेड का मतलब ये नहीं होता कि इसके, मान लीजिए कोई बीज है, इसके ऊपर एक लेयर तो जरूर होगा, निश्चित होगा। नेकेड का मतलब होता है नंग। नंग मतलब कि एक इंसान को ले लीजिए, उसको नग्न करना है, तो कैसे कीजिएगा? कपड़ा उतार दीजिएगा, नग्न हो गया, क्या उसका चमड़ा आप, क्या उसका स्किन घिस सकते हैं क्या? नहीं। स्किन इसके पास, इसके बीज के पास, इसके सीड के पास स्किन होता है, लेकिन ये किसी फ्रूट से नहीं घिरा होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? नेकेड सीड। नेकेड का मतलब ये नहीं हुआ कि सीड के ऊपर में कोई स्किन नहीं होगा, कोई लेयर नहीं होगा, बात समझिएगा। स्किन के ऊपर हमेशा इसमें लेयर पाया जाएगा। हैबिट है, पेरिनियल है, एवरग्रीन है, सो जीरो फाइटिक करेक्टर्स, इंक्लूड मीडियम साइज ट्री में है, सर्व टॉल एंड टॉल ट्री भी होता है इसमें। एवरग्रीन हमेशा, जीरो फाइटिक मतलब ये थोड़ा रेगिस्तान के क्षेत्र में भी पाया जाएगा। देखिए, कंटेन द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट प्लांट सिकोया, द जेंट रेड वुड, याद रखिएगा ये प्लांट बहुत ज़रूरी है, ये द जेंट रेड वुड दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है ये। वास्कुलर आर्किगोन एम्ब्रियोफाइट वुडी सीडेड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब नॉन मतलब हो गया नहीं, एंथो मतलब होता है, एंथो का मतलब होता है फ्लावर, एंथो का क्या मतलब होता है? फ्लावर। फाइटा मतलब होता है पेड़, तो क्या है? नॉन फ्लावरिंग पेड़। एविडेंट सेक्स ऑर्गेन फेनोरोगेम्स। प्लांट बॉडी क्या है? वास्कुलर है, वुडी है, स्पोरोफाइट है, हैज रूट स्टेम लीफ, फर्स्ट टाइम पोलिनेशन इसमें आता है, फर्स्ट टाइम पोलिनेशन, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम पोलिनेशन। सवाल आ जाता है कि विच ऑफ द प्लांट डिवीजन सो फर्स्ट टाइम पोलिनेशन, तो उसमें तीन ऑप्शन जरूर रहेगा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आपको आंसर मानना पड़ेगा क्या? जिम्नोस्पर्म। रूट डाइमॉर्फिक होता है, बताए थे। देखिए, मान लीजिए एक रूट है, मेन रूट है, ये मेन रूट का सिरा ये है, और इसके साइड साइड में क्या लग गया, डाइमॉर्फिक, दो प्रकार का रूट। रूट ग्रीन इन कलर, ग्रीन हो सकता है, लुक लाइक कोरल ब्लू ग्रीन अलगी, एंटू फिक्सेशन एनाबिना नॉस्टेक, याद रखिएगा एंटू फिक्सेशन इसमें होता है, किसमें? एनाबिना और नॉस्टेक में। इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, देखिए पहला है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, साइकस, टैक्सस, जिंको एंड पाइनस, एराकुरिया, मंकी पजल प्लांट या क्रिसमस ट्री भी कहते हैं इसको। वुड हो गया पाइनस, सीड्रस, सीड्रस डियोडोरा, इसको देवदार का पेड़ भी कहते हैं, वुड मतलब लकड़ी प्राप्त होता है ये सबसे। फूड हो गया सैगो,
सेगा मतलब साबूदाना, फ्रॉम साइकस, चिलगोजा फ्रॉम पाइनस। चिलगोजा एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है, खाया जाता है। याद रखिएगा साबूदाना जो है फूड में लिए, ये कमर्शियल यूज नहीं होता। कमर्शियल यूज के लिए आपको एंजियोस्पर्म, उसमें आपको उदाहरण मिल जाएगा एंजियोस्पर्म का होता है कमर्शियल। ये सिर्फ खाने के लिए है थोड़ा मोड़ा, जैसे कोई किसान, गरीब किसान है या जिसके पास कम ज़मीन है, वो क्या करता है कमर्शियल के लिए नहीं यूज होता है अपना खेती, वो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए उपजाता है। इसी प्रकार फूड में जो है सैगो साबूदाना फ्रॉम साइकस जो आता है जिम्नोस्पर्म से, वो सिर्फ फूड अपना के लिए, कमर्शियल के लिए नहीं, सप्लाई के लिए नहीं। जितना भी सप्लाई होता है वो सब एंजियोस्पर्म का फूड होता है। देखिए मार्क मैंने पहले से कर दिया है आपके लिए, क्योंकि बीच में करने से दिक्कत होता है। तो अब मेडिसिनल वैल्यू देख लीजिए, याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है। इफेड्रीन अल्कलॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ब्रांचेज फ्रॉम इफेड्रा इन अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस हे फीवर। ये तीन बीमारी है जिसमें एफेड्रीन का यूज़ होता है। टैक्सोल फ्रॉम टैक्सस एंटी कैंसर दवा इसे बनता है। सेडर वाइल्ड फ्रॉम जूनीपेरस रेड सेडर से होता है। कनाडा बालसम फ्रॉम एबीज, कनाडा बालसम इज यूज फॉर मॉटिंग। मॉटिंग मतलब होता है चिपकाना, लिख दिए हैं हिंदी में वहाँ पर चिपकाना। इन परमानेंट स्लाइड्स प्रिपरेशन, रेसिंग के बारे में देख लीजिए, रेसिंग के बारे में है टर्पेंटाइन एंड रेसिंग किससे निकलता है पाइनस, देख लीजिए आपको एक बार मार्क कर देते हैं। टर्पेंटाइन एंड रेसिंग किससे निकलता है पाइनस से। और कनाडा बल्सम क्या है चिपकाना, देख लीजिए हिंदी में लिखा हुआ है चिपकाना। कनाडा बल्सम फ्रॉम ए बी से निकलता है, कनाडा बल्सम गोंद के रूप में इस्तेमाल इसका होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी याद रखने वाला है, क्योंकि इसमें सभी मेडिकल वैल्यू ये सब जो है ना परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए फॉसिल एम्बर फ्रॉम पाइनस सुसीफेरा, फॉलिस एम्बर फ्रॉम पाइनस सुसीफेरा, मार्क पहले से क्या हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब आता है, तो हमेशा परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है सवाल सब। आपको नीट का परीक्षा हो जाए या जनरल कंपटीशन का हो जाए या कोई ट्वेल्थ बेस का परीक्षा भी हो जाए, उसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। सल्फर सावर जो हो गया, सल्फर सावर एक बादल के रूप में निकलता है पाइनस के पेड़ से, जैसे कि एट मैच्योरिटी पोलन ग्रेन, एट मैच्योरिटी पोलन ग्रेन रिलीज एंड डिस्पर्स बाय एयर करेंट। एयर करेंट मतलब हवा से बह रही है तभी होता है। दे फ्रॉम येलो क्लाउड द पाइनस या पाइनस फॉरेस्ट, मतलब कि ये होता है जैसे कि बादल, अब देख लीजिए हवा चलती है तो बादल थोड़ा तेज चलता है, तो क्या होता है इसका जो भी कोंस होता है, कोंस के रूप में पाया जाता है, वो खुल जाता है हवा के कारण, हवा का कारण खुलता है, तो इसका पोलन ग्रेन होता है येलो का कलर का होता है, येलो कलर का होता है तो अधिकतर खुल जाता है सब के सब एक ही साथ, जब एक साथ बहुत कण आएगा तो क्या जैसा बादल जैसा आपका रचना मिल जाएगा, तो इसीलिए इसको सल्फर सावर भी कहा जाता है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जैमिया, याद रखिएगा। जिंको बिल्बिबो लिविंग फॉसिल मीडियन हेयर ट्री, देखिए लिविंग फॉसिल का मतलब आपको पहले ही से बता चुके हैं, लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि ये सब बहुत कम न के बराबर पाया जाता है। जैसे कि ये लैटिमारिया एक फिश है, उसको भी लिविंग फॉसिल ही कहा जाता है, क्योंकि हाँ बहुत दिनों तक इसको देखा गया कि नहीं है दुनिया में, लेकिन साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के तट नदी मतलब समुद्र किनारे लैटिमारिया फिश को देखा गया था कभी 1934-35 के करीब, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल मतलब बहुत कम पाया जाता है, ये सब ख़त्म होने के कगार पर है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। चलिए इसके रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ चर्चा कर ले, इसका स्टेज कुछ जो होता है। नेट पर तो हमको बढ़िया से इसका डायग्राम नहीं मिला गूगल पर, तो मैंने अपने हाथों से इसका बनाया है, आप देखने की कोशिश कीजिए, तो साफ सुथरा लिखा हुआ है, देख लीजिए। सबसे पहले आपको मैं अपना पेन के कलर वर्ड काला कर लेता हूँ। प्लांट स्पोरोफाइटिक क्या है, इसका बॉडी है क्या है, प्लांट स्पोरोफाइटिक
एक प्लांट कोई भी रिप्रोडक्शन का मेन प्लांट से ही उसका उत्सर्जन होता है। देखिए मेल कोन टू एन है, मेल कोन अब आया, मेल कोन टू एन उससे डेवलप करके क्या बना, स्पोरो माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल क्या है टू एन है, देख लीजिए सब में टू एन लगा होगा। माइक्रो स्पोरोफिल से डेवलप करके बनता है ये क्या, माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया डेवलप करके माइक्रो स्पोर मदर सेल। इसका मतलब ये अब अपने आप को डिवीजन करने की क्षमता आ गया, माइक्रो स्पोर मदर सेल MSMC ये भी टू है। इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस आपको पहले ही बता चुके हैं कि मियोसिस सिर्फ जर्मिनल सेल्स में ही होता है, मतलब 2N से N के रूप में आने के लिए, 2N से N के रूप में आने के लिए जो डिवीजन होता है उसको मियोसिस कहते हैं। मियोसिस का दूसरा शब्द है रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल मतलब होता है टूटना कम होना। मियोसिस हो क्या इसमें आ गया माइक्रोस्पोर या उसकी को पोलन ग्रेन N के रूप में, देख लीजिए N आ गया, इसमें माइटोसिस होगा। अब देखिए माइटोसिस तो सोमैटिक सेल में होता है, इसमें माइटोसिस कैसे, इसमें माइटोसिस लाइट कह सकते हैं इसको, माइटोसिस इसीलिए क्योंकि N है, N में अगर माइटोसिस होगा तो N ही मिलेगा, 2N नहीं मिल सकता, 2N में माइटोसिस होगा तो 2N दो सेल मिलेगा, दो से फिर चार होगा, चार से आठ होगा, आठ से सोलह होगा। इसमें भी वही है माइक्रोस्पोर है क्या है N है ये, और इसमें माइटोसिस हुआ तो क्या बन गया N बन गया, और ये मेल गेमिटोफाइट बना, मेल गेमिटोफाइट से डेवलप करके स्पर्म फर्टिलाइज करेगा फीमेल से। तो फीमेल वाला देख लेते हैं, फीमेल कौन है, एक ही पेड़ पर पाया जाता है दोनों, मेल एंड फीमेल कौन एक ही पेड़ पर रहेगा, वो भी 2N होता है, मेगा स्पोरोफिल 2N। फिर आ गया मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल इसे कहते, ये भी 2N होता है, याद रखिएगा ओव्यूल 2N होता है। उसके बाद न्यूसेलस आ गया, न्यूसेलस के बाद मेगा स्पोर मदर से, माइक्रो हो गया किसके लिए मेल के लिए, मेगा हो गया फीमेल के लिए, क्योंकि हम ऑलवेज नहीं कह सकते हैं 99.99% फीमेल गैमेट्स आर लार्ज देन मेल गैमेट्स। इसमें भी मियोसिस होगा क्योंकि ये जर्मिनेशन है, मियोसिस होगा तो इसमें मेगा स्पोर बनेगा, देख लीजिए मेगा स्पोर N है, मियोसिस हुआ तो N होगा, इसमें बहुत ज़्यादा माइटोसिस होगा, समझे M, बहुत ज़्यादा माइटोसिस होता है तो इंडो स्पर्म N, याद रखिएगा फीमेल गेमिटोफाइट बना। अब देखिएगा वो पिछले आपको लाइफ साइकिल बताए थे रिप्रोडक्शन का, उसमें इंडो स्पर्म का निर्माण नहीं हुआ था, किसमें नहीं हुआ था, थैलोफाइटा ब्राइडोफाइटा टेरिडोफाइटा, लेकिन पहला एक नया टर्म आता है इंडो स्पर्म N होता है, लेकिन एनजीओ स्पर्म में जो इंडो स्पर्म होता है वो 3N होता है, याद रखिएगा, और इसमें कितना है N है। अब आर्किगोनिया ये मेन चीज़ बना इसका, यही है फीमेल ऑर्गन इसका, जो जैसे ओवरी होता है तो ओवरी भी 2N होता है, लेकिन आर्किगोनिया ओवरी के अंदर इंटेस्टेशियल सेल होता है जो N होता है, वो आपका ओभम का निर्माण करता है, समझे, जैसे फॉलिकुलर सेल हो गया उसी को कहते हैं, ये भी उसा है आर्किगोनिया, एग का निर्माण किया N बना और दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म का भी और एग मिल गया। देखिए दो अपोजिट गैमिक्स जब मिलता है ना उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, टू अपोजिट जैसे मेल एंड फीमेल, टू अपोजिट गैमिक जब भी मिल गया तो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद एक रिजल्ट आता है जिसको जायगोट कहते हैं, देखिए यहाँ पर है जायगोट 2N होता है, और एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, एम्ब्रियो से क्या बन गया गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन गया। तो देखिए आपके लिए यहाँ से अगर मैं पेन बदल देता हूँ, अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन खींच दूँ, तो ये देखिए आधा से कम हिस्सा में N है और आधा से ज़्यादा हिस्सा में क्या है 2N, समझ रहे हैं,
आधा से कम हिस्सा में एन है और आधा से ज़्यादा हिस्सा में टू एन है, इसीलिए इसका प्लांट स्पोरोफाइटिक है। याद रखिएगा। आपको एक और नया डायग्राम हम आपको फोटो वाला दिखा देते हैं। चलिए देखिए फोटो वाला डायग्राम, आप मैच्योर स्पोरोफाइट है, 2N है, इसे माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब मेल गैमिट है, और इधर देखिए ओव्यूल है, मेगा स्पोर आया, 2N है, इंटूगमेंट है, पोलन ग्रेन है, सर्वाइविंग मेगा स्पोर है, आर्किगोनियम है, फीमेल गैमेटोफाइट है, स्पर्म न्यूक्लियस है, पोलन है, सीड कोट है, फूड रिजर्व है, सीड है, देख रहे हैं ना। तो देखिए और जो ब्लू कलर का है हैप्लोइड है, देखिए हैप्लोइड बहुत कम स्टेज में पाया गया है, यहाँ से यहाँ तक बस, और उसके बाद डिप्लोइड है, डिप्लोइड ब्राउन कलर का है, देखिए यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक, बीच में भी कुछ स्टेज है देख लीजिए। तो यही है आपका फ़ोटो के सही थे, इसको आप देख सकते हैं। म्योसिस देखिए, म्योसिस यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, क्यों, मेगा स्पोर है, माइक्रोस्पोर दोनों में म्योसिस होता है, इंटूगमेंट मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और आगे बढ़ रहा है अपना, फीमेल गैमेटोफाइट है, इधर फूड रिजर्व मतलब फूड रिजर्व कह सकते हैं आप, इंडोस्पर्म, इसको आप जो फूड रिजर्व लिखा हुआ है, जो फूड रिजर्व लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, ये इंडोस्पर्म है, ये सीड से निर्माण हुआ, सीडलिंग मतलब कि नया प्लांट का निर्माण हो रहा है या फिर से मैच्योर स्पोरोफाइट। तो दोस्तों यही था आज का जिम्नोस्पर्म्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगे, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कोरोना वायरस के कारण अपने घर पर स्टे होम रहिए, कुछ ज़रूरी काम हो तो भी बाहर निकलिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया चैप्टर फिर से डिवीजन एंजियोस्पर्म लाऊंगा। हो सकता है प्लांट किंगडम में थोड़ा मोरा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरा मेन विषय तो जूलॉजी ही है, लेकिन आपको मैं जहाँ तक हो सके पूर्ण आपके 12th लेवल का पूर्ण रूप से आपको मैं संतुष्ट कर पाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।